बालवीर को तो बच्चों के दोस्त होने की सजा मिल गई है स्पाइडरमैन। इसे तो अच्छा सबक सिखाया, लेकिन लगता है कि अब सबक सीखने की बारी तुम्हारी है। थैंक यू स्पाइडरमैन। देखा जयवीर, नहीं चली तुम्हारी चाल स्पाइडरमैन के जाल के आगे। मोंटू, तुम्हारी तो टाइटल फिश हो गई। और मोंटू, तुम हो गए डबल सुपर जीरो। बालवीर को तो बच्चों के दोस्त होने की सजा मिल गई है स्पाइडरमैन। उसे तो अच्छा सबक सिखाया, लेकिन लगता है कि अब सबक सीखने की बारी तुम्हारी है। जयवीर, सुनना मत तूने। बहुत परेशान किया तुमने बच्चों को जयवीर, अब परेशान होने की बारी तुम्हारी। मानो, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? बालवीर, तुम्हारे होता है मुझे चोट कैसे आ सकती है? बुराई का साथ देने वाले लोगों का अंत बुराई होता है। बस अब चाहते हो कि हमारा भी यही हाल हो? अरे तो खड़े क्यों भागो? अच्छा हुआ बालवीर कि आ गए तुम वापस बच्चों की रक्षा के लिए। हूँ मैं बहुत खुश। यस, हमारा बी 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 वापस आ गया है। हाँ, वरना हमें तो लगा था बालवीर कि अब तुम हमारे पास वापस कभी नहीं आओगे। बुराई की बेड़ियों ने मुझे कुछ समय के लिए बांध लिया था, लेकिन आप सबके प्यार ने मुझे वापस ले ही आया। शुक्रिया स्पाइडरमैन, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने इन बच्चों की मदद की। आप दोनों ही अच्छाई और सच्चाई के साथी हो और बच्चों के प्यारे हो और हमेशा उनकी मदद करते हो, इसीलिए हम भी आप सबसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप सब हमसे करते हो, क्योंकि हमारी नजरों में जो बच्चा अच्छाई और सच्चाई की राह पे चलता है वो सुपर हीरो होता है।
वो एक बालवीर होता है और एक स्पाइडरमैन होता है। क्यों स्पाइडरमैन? बालवीर, अब तो तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? ये तो मेरा सपना था। मैंने बालवीर और स्पाइडरमैन को सपने में देखा। मतलब बालवीर अभी वापस नहीं आया है। कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारे घर को बचाएगा? मैं रानी परी से बात करूंगा, जैसे मैं रानी परी से बात करती थी। वो हमारी हेल्प जरूर करेंगी। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, कौन है ये बच्चा जो इन बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन को बुला रहा है? समझ रही है आप गलत? है पुकारा ये बच्चा रानी परी को? बेवकूफ, तौबा तौबा। तो अब इस परीलोक की रानी परी मैं ही हुई ना? ओ, हो गई गलती मुझसे परी भयंकर, भूल ही गया था मैं। रानी परी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये तो मानव है। बड़ा भोला है बेचारा, नहीं जानता कि अपनी ही दुश्मन को आवाज दे रहा है। रानी परी, हमें आपकी मदद चाहिए। वो हैप्पी सिंह हमसे हमारा घर छीनना चाहता है और बालवीर तो आ नहीं सकता। जयवीर तो हमारी मदद करने के बजाय हमें परेशान करता है। और अब तो आप भी हमारी मदद कर सकते हैं रानी परी। प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए ना रानी परी। प्लीज रानी परी, प्लीज। इतना बेवकूफ है ये बेचारा, जानता नहीं कि मैं बच्चों की मदद नहीं, उन्हें सिर्फ आंसू देती हूँ। मैं इन बच्चों को खुशियां दूंगी नहीं, बल्कि इनसे इनकी सारी खुशियां छीन लूंगी। इसीलिए सच्चे और अच्छे बच्चे को अपना बुरा और भयंकर रूप दिखाने का समय आ गया है। आप रानी परी हैं? हाँ, मैं ही रानी परी हूं। लेकिन अच्छाई और सच्चाई की नहीं, बुराई की, बुराई की रानी परी। बुराई की रानी परी? फिर तो आप हमारी मदद नहीं करेंगी, आप हमारे घर को नहीं बचाएंगी, है ना? मैं सच्चे और अच्छे बच्चों की मदद नहीं करती, सिर्फ बुरे और झूठे बच्चों की मदद करती। अगर तुम मेरी मदद चाहते हो और अपने घर को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का साथ छोड़ना होगा और एक बुरा और झूठा बच्चा बनना होगा। नहीं, मैं सात सच्चों के परिवार से हूँ और मैं कभी भी झूठा और बुरा बच्चा नहीं बनूंगा। अगर तुम बुरे और झूठे बच्चे नहीं बन सकते,
तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा मत कहिए, प्लीज। अगर हमारा घर चला जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? प्लीज, हमें इस घर से बहुत प्यार है रानी परी, प्लीज हमारी मदद करिए। हाँ, और जो भी चीज अच्छे और सच्चे बच्चों को प्यारी होती है, भयंकर परी उनसे वो चीज छीन लेती है। इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, मैं उसकी मदद करूंगी जो तुम्हें तंग कर रहा है, जो तुमसे तुम्हारा घर छीनने की कोशिश कर रहा है। रानी परी तो सिर्फ अच्छे बच्चों की मदद करती है, तो फिर वो बुरे बच्चों की मदद क्यों करना चाहती है? बालवीर तो है नहीं, और जयवीर भी बुरे बच्चों का ही साथ देता है। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? किया मैंने, कहां से आती है मुझ में यह असाधारण शक्तियां? क्या मैं सचमुच कोई असाधारण बच्चा हूं? लेकिन अगर ये सच है तो कौन हूं मैं? काश काश मुझे सब याद आ जाए। हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए प्लीज भगवान जी, प्लीज। बेटा, भगवान जी ने हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। भगवान जी ने मुझसे कहा कि बैंक में जाओ और जाके पैसे लेके आओ। भाई तू भी बैंक के पेपर ले ले, जल्दी जाते और कैश लेके आते। हाँ हाँ बाबूजी, आज शनिवार है, बैंक जल्दी बंद हो जाएगा, हमें वहाँ टाइम पे पहुँचना चाहिए, और पता नहीं वहाँ कितनी देर लगेगी, है ना? बाबूजी महेश, दो मिनट के लिए रुक जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, खा के जाइए। आज जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। हाँ, नाश्ते में ना। सॉरी सॉरी, बैंक में बापू जी, बैंक में। चलो चलो। कुछ अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के साथ। जाओ काम शुरू करो, घर की सारी खिड़कियां बंद करो। यस बॉस। अब देखता हूँ कैसे जाएंगे ये लोग बैंक और कैसे लाएंगे पैसा। बॉस को फोन लगा। हेलो सर जी, आपका काम हो गया है, अब ये घर आपका ही समझो। ओ जी, बापूजी बापूजी, आप फटाफट नाश्ता करके आइए, तब तक मैं ऑटो बुलाता हूं। दरवाजा जाम हो गया लगता है। नहीं, दरवाजा बाहर से बंद है। बापूजी, बेनी, चलो चलो। हाँ चलो। कैसे चलो बापूजी, दरवाजा खुल नहीं रहा है। दरवाजा खुल नहीं हो रहा? हाँ। ये कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है बापूजी किसी ने भी दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। बाहर से कौन बंद करेगा? ये हैप्पी सिंह का ही काम है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम पैसे का इंतजाम करें। है ये हैप्पी सिंह बहुत बुरा, सजा दिलवाऊंगा मैं इसे बालवीर से। लेकिन अगर आप लोग बैंक नहीं पहुंचे तो पैसे कैसे लेकर आएंगे? तो क्या छिन जाएगा हमसे हमारा घर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। है एक तरकीब, आप लोग जा सकते हैं खिड़की से बाहर। वाह बल्लू वाह, क्या धासु आइडिया दिया है। चलो घर की सारी खिड़कियां भी बंद है। अब आप लोग बाहर कैसे जाएंगे?
बाहर पे से हमसे हमारा घर छीनेगा तो नहीं ना मम्मी? अब करो मत तुम चिंता माना, हो जाएगा सब ठीक। एक मिनट पकड़, मैं आता। हेलो, क्या हाल है डगली साहब? अभी घर पे ही बैठे हो, बैंक नहीं जाना? ओए होए, लगता है आपके घर के दरवाजे खिड़कियां बाहर से बंद कर दिए किसी ने। तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे घर के खिड़की दरवाजे बंद है? और डगली साहब, मेरे को सब कुछ पता होता है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि अगर आप बैंक नहीं पहुंचे ना तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर आपका घर कैसे बचेगा? ठीक है ना? ठीक हैप्पी सिंह, तू कोई भी चाल चल ले, लेकिन हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हम हमारा घर तुझे छीनने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। अच्छा, तो बचा लो फिर अपना घर। और मैं तो सलाह देता हूँ, बालवीर को बुला लो, हो सकता है वो बचा ले तुम्हारा घर आके। क्यों, ठीक है ना? ठीक है। क्या हुआ बापू जी? हैप्पी सिंह का फोन था। हे भगवान, हैप्पी सिंह ने तो हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, आप क्या करेंगे? घबराओ मत स्मिता, हैप्पी सिंह कुछ नहीं कर पाएगी। बापूजी, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। हेलो, पुलिस स्टेशन। परियों, अटकाती परी, मैं अभी अभी देख कर आई, भयंकर परी रानी महल में, जयवीर और तौबा तौबा भी उसके साथ है। परियों, फिर तो ये बिल्कुल उचित समय है शस्त्रगार जाकर आप सबके जादुई दंड वापस लाने का। हाँ नाराज परी, हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा शस्त्रागार जाने का। हाँ, पर आप दोनों सावधान रहिएगा, भयंकर परी बहुत ही चालाक है, उसकी नजर हमेशा अपने दुश्मनों पर रहती है। मैं ये जानती हूँ बाल परी, इसीलिए मैं भयंकर परी की दोस्त बनकर जा रही हूँ, ना कि दुश्मन बनकर। चलिए नटखट पर चलिए। तुम किस पे हंस रहे हो तौबा तौबा? आप पे। मेरा मतलब था कि देख रही है आप सबका तीनों लोगों पे बुराई का राज चलाने का, लेकिन मानी नहीं आपकी बात एक छोटे से बच्चे मानव ने। हाँ, पर मेरा नाम भी भयंकर है, उसे उसकी सच्चाई और अच्छाई की ऐसी भयंकर सजा दूंगी कि उसके ऊपर से सच्चाई और अच्छाई का सारा भूत उतर जाएगा। आप कहे तो मैं उसे मजा चका के आऊं। हाँ जयवीर, तुम जाओ और उस सच्चाई और अच्छाई के परिवार का घर छीनने वाले की मदद करो। मानव को अपनी सच्चाई और अच्छाई पर बहुत घमंड है ना, अब मैं उसका ये घमंड तोड़ूंगी। अब निश्चिंत रहे भयंकर परी, जब उसका वो घर छीना जाएगा वो रोते रोते आपको याद करेगा और आपसे माफी मांगेगा। हाँ, बस आ मत जाना रोते हुए। तौबा तौबा, अरे विजय हो जयवीर, विजय हो, ऐसा कहा मैंने परी भयंकर।